क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वर्सोवा ब्रिज के नीचे सूर्य प्रकल्प योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू था। उसी समय पोखलेन से खुदाई की जा रही थी और उसी समय भूस्खलन की घटना घटती है और पोखलेन चालक पोखलेन सहित जमीन में समा जाता है और मलबे के नीचे दब जाता है। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि साइड इंजीनियर के चलते यह घटना घटी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास खबर में। नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत वर्सोवा खाड़ी पुल के पास सूर्या प्रकल्प योजना के तहत पाइपलाइन बिछाते समय हुए भूस्खलन के चलते जेसीबी के साथ चालक भी मलबे के नीचे फंसने की घटना सामने आई है। यह काम L&T इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए खाड़ी के निचले हिस्से में बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही थी, जहां बुधवार को जेसीबी द्वारा खुदाई के दौरान रात के 9 से 9:30 बजे के आसपास अचानक जमीन का कुछ हिस्सा धंसने लगा, जिसमें कंटेनर वो पोखलेन वो जेसीबी चालक जेसीबी सहित मलबे में फंस गया। वहीं मलबे के नीचे दबे चालक के परिजनों ने सुबह तक भी कोई भी बचाव कार्य प्रशासन द्वारा नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। आपको ना अभी ये घटना घटी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि सुख सुविधा लोग नहीं कर रहे हैं ना, जो 9 बजे की भीड़ है तो उसको सुख सुविधा चाहिए। मेरा भाई बोला था क्या करो मेरे तुम ये का तो सर से ठीक का अथवा करवा दे नहीं कभी भी गिर सकता है, मगर ये लोग नहीं सुने। 9 बजे गिरा है तो अब तक कम से कम करना चाहिए सुख सुविधा। 2 बज गए अभी वो लोग पहुँचे नहीं थे दोनों वाला निकलेगा वो लोग तो अपना चुपचाप अपने अपने घर पर गए सो गए। कौन देखेगा उसके लिए बीवी को बच्चे कौन देखेगा? अब क्यों बोलती रहेगा सेठ मर गया किधर कौन तो नहीं दिखाता कौन सेठ है कौन क्या है कौन क्या है सब तो अपना अपना किनारा खींचेंगे बैठे दो आदमी लगा दिए बस वो देखो दो आदमी लगा है ना ऐसा काम चलता है क्या? आप कुछ आखिर में बात हुई थी आज सुबह या कुछ उनसे? नहीं संडे को हुई थी, संडे के गए थे मेरे रूम ट्रैफिक लगी थी तो मेरे रूम पर था दिन। वहीं आज सुबह से राहत व बचाव कार्य NDRH टुकड़ी द्वारा जारी कर दिया है, पर पिलर का वजन काफी होने व पिलर के ऊपर मिट्टी का भराव हो जाने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं घटना स्थल पर मौजूद दूसरे जेसीबी चालक ने घटित पूरी घटना का दोषी साइड इंजीनियर तथा L&T प्रशासन को ठहराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही घटनास्थल पर मौजूद दूसरे जेसीबी ऑपरेटर का कहना है कि हमें इस दर्दनाक भयानक घटने का आभास पहले से हो चुका था और इस बात की शिकायत और इस बात का संज्ञान हमने यहां घटनास्थल पर मौजूद L&T के इंजीनियर से की थी कि सर मिट्टी धस रही है मिट्टी दरक रही है आप प्लीज यहां पर एक छोटा सा बीम बनाकर मिट्टी को रोकने का प्रयास करें, बट उनको जवाब मिलता है कि आप लोग और 2 फीट और दो मीटर नीचे खड्डा कीजिए फिर इसके बाद हम लोग बाकी का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हो कि इस सारी घटना में यहाँ पर मौजूद जो इंजीनियर और सुपरवाइजर है उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बहुत बड़ी गलती है जिससे आज एक निर्दोष निरपराध आदमी पिछले 15 घंटे से 60 फीट जमीन के नीचे धसा हुआ है। कहीं ना कहीं L&T कंपनी और उसके इंजीनियरों का इसमें पूरा दोष है। आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर क्या काम करते थे उस बारे में? सर मेरा नाम सुनील बंसल है, हम लोग यहाँ L&T में एक्सकवेशन का काम करते हैं खुदाई का और यहाँ पर हम लोगों का खुदाई चलती है टर्नल का काम। घटना वाले समय आप क्या कर रहे थे? जब ये घटना घटित हुई तब आप क्या कर रहे थे? सर घटना के टाइम पे मैं था नहीं, मैं ड्यूटी में आ रहा था, एक्चुअली ट्रैफिक में फंसा हुआ था मैं। तो जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था रास्ते में मेरे को मालूम पड़ा कि घटना हो चुकी है, तो मैं यहाँ साइड में पहुंचा तो देखा तो घटना हो चुकी थी। इस घटने का आप लोगों को पहले से आभास था? जी सर, जो डे वाला ऑपरेटर फंसा हुआ तो उसको पहले से ही आभास था, वो बताया भी गया था कि उसको कि एक हादसा हो सकता है इसको थोड़ा रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें कॉलम बीम लगाने के लिए बोला गया था। किससे बात किया था? वो इंजीनियरों से बात किया था क्योंकि मैं नाइट में रहता था तो मेरे पास तो उतना
डे वाले नाइट वाले इंजीनियर वगैरह आते, नहीं तो सुपरवाइजर वगैरह जो आते थे उससे हम लोग भी बोले हुए थे, पर जो डे में काम करते थे उनको मालूम था और इंजीनियर आते भी थे, वो भी बताया भी गया था। तो जब उन्होंने बोला था कि हादसा होगा तो इंजीनियर ने क्या जवाब दिया? वो जवाब दिया था कि साहब इसको एक मीटर खोद लो, इसके बाद फिर कॉलम बीम वो लगाएंगे। अगर इंजीनियर उनके पास सुन लेता तो ये हादसा नहीं होता सर? अगर इंजीनियर के पास सुन लिया होता तो ये हादसा होता ही क्यों? नहीं होता कॉलम बीम लगा, मतलब कहीं ना कहीं इस घटना का पूरा दोष आप इंजीनियर पर मढ़ना चाह रहे हैं सर? वो तो इंजीनियर कंपनी पे ही देंगे साहब, वो तो आए सामने भी दिख रहा है साहब कि वो लोगों का ही दोष है, जब हम लोगों की बात नहीं माना गया तो अगर वो लोग बात मान लेते तो हमारे आदमी की ये हादसा ना होता था। कितने दिनों से जानते थे? लगभग जब से हम लोग 15-20 दिन से काम कर रहे हैं तभी से सूचना देना शुरू कर दिए थे कि साहब इसमें कॉलम बीम लगा दीजिए, नीचे जाऊंगा तो रिक्शा होगा। तो उन्होंने जवाब हम लोगों को ये दिया गया था कि खोद लो दो मीटर के बाद हम लोग कॉलम बीम लगाना स्टार्ट करेंगे। उस पर उसके पहले पीसीसी मार दिया गया था, पीसीसी कर दिया गया था, बोले कि पीसीसी कर दे रहा हूँ इससे थोड़ा बहुत अपने आपको कहीं ना कहीं इंजीनियर और इसके नाकामी बताइए। जी सर, ऐसा ही काम आगे भी चालू है तो उधर तो लोखंड का, हाँ वो उधर बराबर था, उधर हम भी काम, उधर हम लोग भी काम किए हैं, उधर कॉलम बीम का काम बराबर है। उधर और यहाँ पे अलग अलग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कंक्रीट का कर रहे हैं, उधर लोखंड लगा रहे हैं। सब अभी ये इंजीनियर लोग जाने, अभी हम लोगों को तो काम के लिए दिया गया, हमको जितना बोला गया था हमने बता भी दिया कि साहब इतना रिश्ती काम है इसको ऐसे कर लीजिए तो सुधार हो जाएगी, पर वो लोग नहीं किए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो आए नहीं कि बस में कि हम साहब लगा दे। हमें हमारी तरफ जितना इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने उनको दे दिया कि साहब रिक्स का काम है इसको सुधार करिए जी। सर आज 18 घंटा हो गया है, 9 बजे ऐसा घटना हुआ, 9 बजे से इस समय 12:30 बज रहा है सर, 18 घंटा का समय निकल गया है। यहाँ पर यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग काम करने लोगों ये विफलता माना जाएगा सर। एक राकेश यादव जो 38 वर्ष उम्र है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और जो है कि इसमें दबा हुआ है, अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि नहीं वो मर चुके हैं या जीवित हैं, और अभी निकालने की कोई प्रयास भी जारी नहीं, आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर। क्या आपने यहाँ का कोई भी हाई अथॉरिटी ऑफिसर से बात करने की कोशिश की कि मेरा परिचय अभी तक उसमें दबा हुआ है, आपको क्या जवाब मिला? जी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे परिजन उसमें दबे हुए हैं, मगर उन्होंने बोल रहे हैं काम जारी है, आप शांत रहिए, काम जारी है, यही कह के जो है कि टाल रहे हैं यहाँ के लोग। सर प्रशासन के आश्वासन पर आप ये मान सकते हो कि आपका जो व्यक्ति है, आपका पारिवारिक सदस्य है जो अभी जीवित हो सकता है? सर हमें तो नहीं लगता है, सर हमें नहीं लगता कि अभी तक जीवित होगा वो, जिनका कोई पता नहीं है कि 80 फुट है या 90 फुट नीचे चले गए हैं, कितने नीचे अभी तक कैमरे से लेकर और कोई अनुभव दे नहीं पा रहे हैं, कोई उनके बारे में बता नहीं, हम कैसे मान लें सर कि जीवित होंगे वो, हमको नहीं लगता है सर। आपकी क्या मांग है ठेकेदार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और राज्य सरकार से? जी अगर उनके साथ हादसा हो गया होगा तो यहाँ के जो ठेकेदार है और यहाँ के प्रशासन और महाराष्ट्र प्रदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उस गरीब परिवार के लिए बहुत कुछ जो है कि देने की सोचें, और उस छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, 6-7 साल के बच्चे हैं, और उनकी पत्नी भी अभी कुछ मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है, 1 घंटे के अंदर में सर, सुशीला देवी। आपका क्या रिश्ता है उनसे? सर मेरा जो है कि रिश्ते में साढ़ू लगते हैं। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस व L&T कंपनी व NDRH की टीम JCB चालक की सुरक्षा के लिए कोशिश कर रही है। चल रहा था सूर्या प्रकल्प का काम है, अंदर से अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालना है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए ये प्रकल्प 2 सालों से काम कार्यरत है, तो उसमें अचानक से एक बॉक्स बनाया गया कि उसके नीचे से पाइपलाइन को ज्वाइंट करना था, और बॉक्स की एक साइड जिस साइड खाड़ी है वहाँ की जो वॉल थी वो पोकलैंड पे गिर गई है। निकेश यादव नाम का 38 ईयर्स ओल्ड जो काम करने वाला पोकलैंड चलाने वाला उसके अंदर फंस गया है। रात को जब इंसिडेंट हुई इसके 5 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पहुंची है, L&T के लोग भी है, NDRF ने हमें सुबह ज्वाइन किया है और सभी मिलके रिकेश यादव की सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। वर्सोवा से सतीश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।